तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ एयर ब्लास्टर, यानी कि एयर ब्लास्टर कैसे वर्क करता है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्किंग ब्लास्टर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, इसका क्या फंक्शन है, इन सारी बातों का इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग एयर ब्लास्टर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से एयर ब्लास्टर के हर एक पार्ट्स को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि एयर ब्लास्टर का मतलब क्या है। तो देखिए, एयर ब्लास्टर, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि एयर का ब्लास्ट करने वाला इक्विपमेंट क्या कहलाता है, एयर ब्लास्टर कहलाता है। तो एयर का ब्लास्ट करने से मतलब क्या है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल जो कि स्टिकी हो, जैसे कि मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोल जो है उसके अंदर अगर फाइंस है तो हॉपर में, जैसे हमारा बंकर से हॉपर में आएगा तो वो क्या हो जाता है, हॉपर के चारों तरफ वो स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से उस हॉपर के अंदर या उस बंकर के अंदर एक रैट होल बन जाता है, यानी कि कोल हमारा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उस स्टिकी मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग एयर का एक बहुत ही हाई प्रेशर से एयर वहां पे ब्लास्ट करेंगे, जो कि हम लोग इसी डिवाइस की मदद से करते हैं। तो यहां पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है, जो कि मैंने हॉपर दिखा रखा है, और ये जो हॉपर है, अज्यूम कर लीजिए कि ये कोल का हॉपर है, यानी कि हमारा बंकर के नीचे जो भी हॉपर है वो क्या है, कोल का हॉपर है, और यहां पे हमारा जो मटेरियल है, मान लीजिए कोल यहां पे स्टिक कर जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे इस एयर ब्लास्टर की मदद से एयर का प्रेशर यहां पे अप्लाइड करेंगे, यानी कि एयर यहां से हाई प्रेशर से रिलीज करेगा और जो भी मटेरियल है वो कैसे हमारा यहां से रिमूव हो जाता है, इसी को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं कि कैसे ये हाई प्रेशर क्रिएट करके यहां पे एयर को ब्लास्ट करता है। तो इस डिवाइस का सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टर या रिसीवर, एयर रिसीवर आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक ब्लास्टर है, ठीक है। और इसी ब्लास्टर के अंदर ये जो आप एक पाइप देख रहे हैं, ये वाला जो पाइप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप। ये कौन सा पाइप है, तो ये है हमारा, देखिए, डिस्चार्ज पाइप है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एयर होगा वो इस रास्ते से निकल करके हमारा कहाँ जाएगा, तो हॉपर में जाने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज पाइप। एक नॉर्मल पाइप टाइप का है, इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये हमारा डिस्चार्ज पाइप कुछ इस टाइप से अपीयर होता है, और यहाँ पे इस सिलेंडर के टॉप साइड में यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा प्रेशर गेज लगा रहता है, जो कि इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, यानी कि इस ब्लास्टर के अंदर कितना एयर का प्रेशर है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे देखिए तो एक हमारा सेफ्टी रिलीफ वाल्व लगा रहता है, जो कि एक सर्टेन प्रेशर पे सेट कर दिया जाता है कि इतना 8 से 10 kg/cm² प्रेशर इसके अंदर आ जाए तो ये जो रिलीफ वाल्व है वो पॉप कर जाए, जिससे हमारा जो एक्सेस प्रेशर से ये बच जाए। और हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी रिलीफ वाल्व क्या करता है, एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, अगर हम लोग इस प्रेशर को रिलीज नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फट भी सकता है हायर प्रेशर से, तो इसीलिए हमारा ये एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व दिया रहता है। और बॉटम साइड में देखेंगे तो हमारा, देखिए, इस साइड भी एक ड्रेन दिया रहता है, एक साइड इधर भी ड्रेन दिया रहता है। इन केस जब मेंटेनेंस करते हैं तो इस ड्रेन को खोल देते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर या डस्ट वगैरह है वो यहां से हमारा निकल जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, एक हमारा ये क्या है, हमारा सेफ्टी रिलीफ वाल्व, मैं लिख देता हूं, ये हमारा प्रेशर गेज, ठीक है। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ये क्या होता है, सिलेंडर होता है, जो कि क्रोमियम का बना हुआ रहता है, यानी कि क्रोमियम अलॉय का बना रहता है। और क्रोमियम का इसलिए बनाते हैं कि क्रोमियम जो होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, यानी कि इसके अंदर हमारा कोरोजन नहीं लगने देता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा पिस्टन जो है वो मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन सिलेंडर बोलते हैं। ये जो आप देखेंगे इस फोटो से, देखिए ये क्या है, हमारा पिस्टन सिलेंडर है, और दूसरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा पिस्टन है। तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये पिस्टन हमारा सिलेंडर है, जो कि क्रोमियम प्लेट का बना हुआ रहता है। और
और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, तो ये है हमारा पिस्टन, ठीक है। और इस पिस्टन के ऊपर मतलब पिस्टन के टॉप में अगर देखेंगे जहाँ पे कि हमारा ये डिस्चार्ज पाइप कनेक्ट रहता है, यहाँ पे हमारा एक लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन सेवर। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको पैड दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन सेवर। ये कब काम करता है कि ये जो हमारा पाइप है वो पिस्टन से इस सेवर के ऊपर इंटैक्ट रहता है, मतलब टच में रहता है। अगर हमारा ये सेवर नहीं रहे तो पिस्टन को डायरेक्ट ये क्या करेगा, इरोड भी कर सकता है, वो डैमेज भी कर सकता है। तो ये कभी भी डैमेज करेगा तो ये जो हमारा सेवर है यानी कि जो रबर पैड टाइप का रहता है उसी को केवल ये डैमेज कर सकता है। और इसी पिस्टन के ऊपर हमारा दो ठो ओ रिंग या इसको कॉर्ड रिंग भी बोलते हैं, तो दो ठो कॉर्ड रिंग मतलब लगा रहता है। देखिए एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा रहता है। और ये जो कॉर्ड रिंग है ना, इसका थोड़ा सा प्ले रहता है, मतलब 5 से 10 mm का प्ले रहता है, यानी कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होना होगा, तो इस कॉर्ड रिंग के बीचों बीच में थोड़ा सा प्ले रहता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा 5 mm 4 से 5 mm का एक होल रहता है, और इस होल जो है ये आपको पिस्टन के टॉप साइड से दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए इस पिस्टन के अंदर हमारा एयर जो है वो यहाँ से इनलेट होता है और यहाँ से निकल करके हमारा सिलेंडर के अंदर फिल होता है, यानी कि हमारा एयर इस रास्ते से आएगा, पिस्टन के बीचों बीच से आएगा और इस होल से बाहर निकल करके इस सिलेंडर के अंदर फिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पिस्टन हम लोग लगा दिए, पिस्टन के बाहर आपको पिस्टन के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पैड दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबर पैड बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा रबर पैड दिया है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है, ये क्या है, हमारा क्विक एग्जॉस्ट वाल्व यानी कि QEV लगा हुआ रहता है। तो ये है इसका कुछ कंपोनेंट्स। तो चलिए अभी हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये जो हमारा पाइपलाइन आपको दिख रहा है ये है हमारा एयर पाइपलाइन जो कि SS मटेरियल का बना रहता है, SS का बना रहता है। और ये जो हमारा ब्लास्टर है वो MS का बना रहता है, माइल्ड स्टील का, ठीक है। और ये जो हमारा पिस्टन है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। और ये जो हमारा पिस्टन का जो सिलेंडर है वो किसका है, तो क्रोमियम प्लेट का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इसका मेंटेनेंस करते हैं तो ये सारा इंटरनल्स को जब हम लोग निकाल देते हैं तो हमें बाहर से अगर इस होल से देखेंगे तो हमें केवल ये डिस्चार्ज पाइप दिखेगा, उसके अंदर और कुछ भी इक्विपमेंट नहीं दिखेगा। डिस्चार्ज पाइप के बाद सबसे पहले हम लोग इसको बढ़िया से साफ़ कर देते हैं ग्रीसिंग वगैरह करके। सबसे पहले हम लोग ये जो पिस्टन सिलेंडर जो है जो कि क्रोमियम प्लेट का बना रहता है इसको लगाते हैं, और इससे पहले इस पर एक हमारा ओरिंग रहता है उसको ओरिंग को लगा देते हैं। और उसके बाद हमको लगाना पड़ता है ये जो हमारा पिस्टन है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, एल्युमिनियम पिस्टन का बना रहता है, इसको हम लोग लगाते हैं। और पिस्टन लगाने के बाद हम लोग लगाते हैं ये वाला जो पैड है, रबर पैड है वो लगाते हैं। उसके बाद हम लोग स्प्रिंग डालते हैं, और उसके बाद ये जो आपको दिखा है ये क्या है, हमारा बैक कवर है, बैक प्लेट आप बोल सकते हैं। इस बैक प्लेट को लगा करके इसको बोल्टिंग कर देते हैं, और इस बैक प्लेट से हमारा एक पाइप निकला रहता है जो कि क्विक एग्जस्ट वाल्व से कनेक्टेड रहता है। और ये जो क्विक एग्जस्ट वाल्व है ना ये 3-way वाल्व टाइप का रहता है, जैसे कि इसको मैं अभी फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, बस केवल आप ये समझ लीजिए कि ये 3-way टाइप का काम करता है। इसमें क्विक एग्जस्ट वाल्व का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि इसके अंदर डायफ्राम वगैरह रहता है कैसे काम करता है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एयर जो है हमारा इधर से आएगा और इधर जाएगा, नहीं तो अगर ये बंद रहेगा तो एयर हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा एयर है वो फिल्टर होकर के इसके पैनल में जाता है, और पैनल ये शो करता है कि हमारा जो ब्लास्टर है किसी सिस्टम के अंदर कितना लगा रहता है। मान लीजिए कि एक हॉपर में 3 ब्लास्टर लगा रहेगा तो उस पैनल के अंदर हमारा 3 सिस्टम लगा रहेगा, जिससे हमारा 3 लाइन टैप रहेगा एयर का, ठीक है। तो यहाँ पे जूम कर लीजिए कि हमारा एक ब्लास्टर है और एक लाइन जो है हमारा पैनल से आया है जो कि एयर डायरेक्ट यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करेगा, और ये जो एयर है हमारा सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इस पिस्टन के अंदर फिल होगा, और इस 5 mm का जो होल है इससे हमारा इसके अंदर भरने लगेगा। तो जब ये भरेगा ये कब तक भरता रहेगा,
हद तक कब तक रहेगा, जब तक कि हमारा जो प्रेशर है वो इक्विलाइज ना हो जाए, यानी कि हमारा जो यहाँ पे प्रेशर है मान लीजिए कि फोर्स या 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, तो इसके अंदर भी अगर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे भी क्या है, जब 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इसके अंदर आ जाए तो ये एयर अब उधर नहीं जा पाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो प्रेशर जहाँ पे कम प्रेशर रहता है उधर हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है, अब इधर भी हाई 5 kg प्रेशर हो गया, यहाँ पे भी 5 kg प्रेशर हो गया, तो अब ये कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे आपको ये रीडिंग दिखा देगा कि हमारा इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर बिल्डअप हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एयर नहीं जाएगा, जैसे ही हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि हम लोग इस ब्लास्टर को हमें ऑपरेट करना है, मान लीजिए हमारा ये चौक हो गया यहाँ पे हॉपर में, हमें एयर मतलब ब्लास्टर को ऑपरेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच जो है वो प्रेस कर देते हैं, या यह एक टाइमर सेट कर देते हैं कि 5 मिनट के इंटरवल पे ये हमारा जो है ऑटो में ब्लास्ट करे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैनुअली हमने प्रेस किया, तो जैसे प्रेस करते हैं तो होता क्या है कि ये जो हमारा वाल्व है ना, ये हमारा क्लोज हो जाता है ना, मतलब कि जो हम लोग एयर इधर दे रहे थे वो एयर अब इधर ना जा करके हमारा टोटली एग्जॉस्ट होने लगता है, ठीक है। टोटली एटमोसफियर में हमारा जो एयर है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट एयर हम लोग इधर फील कर रहे थे, इधर जो इधर हाई प्रेशर और उधर प्रेशर दोनों एकदम बैलेंस किया है, वो ना हो करके अब क्या होता है कि हमारा जो एयर है वो इधर आने लगता है, तो जैसे एयर आएगा तो इस यहाँ का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इनसाइड में प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे थ्रस्ट पैदा करेगा, ठीक है। तो पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ 5 से 10 mm नीचे की तरफ आता है, और उतना ही देर में क्या होगा कि ये जो एयर है ना वो इधर इनलेट होने लगता है, और इनलेट हो करके इस रास्ते से हमारा यहाँ पे आता है, और यहाँ से ऐसे ये नोजल बने रहते हैं, और यहाँ पे ये क्या करता है, तेज़ी से स्ट्राइक करता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अभी 5 kg प्रेशर था, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसको जैसे ही ये पिस्टन पीछे की तरफ आया तो यहाँ पे जो पैसेज मिला बहुत कम मिला, यानी कि पहले ज़्यादा वॉल्यूम था, अब इसको कम वॉल्यूम मिल रहा है, तो इस वॉल्यूम में अगर देखा जाए ना तो इसका जो प्रेशर है वो लगभग 5 से 6 गुना इंक्रीज हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है, तो इस पाइपलाइन में जब ट्रैवल करेगा, यानी डिस्चार्ज पाइप में जब ट्रैवल करेगा, तो लगभग कितना केजी प्रेशर हो जाता है, तो 6 times इंक्रीज होता है, यानी कि 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, 5 से 6 kg प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर देता है। तो इतना हाई प्रेशर से जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ जो भी मटेरियल स्टिकी मटेरियल होगा वो रिमूव हो जाता है, और हमारा जो कोल है वो यहाँ से हट जाता है। वैसे ही आप यहाँ पे भी एयर ब्लास्टर लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको मतलब लगे कि यहाँ पे एयर ब्लास्टर का ज़रूरत है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही इस सिलेंडर के अंदर से, यानी कि इस ब्लास्टर के अंदर से पूरा एयर इधर ब्लास्ट कर जाएगा, तो अब ये देखिए इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है, ये जो स्प्रिंग है वो अभी क्या है, कंप्रेस मोड में है, यानी कि इधर से एयर दबाया है, यानी कंप्रेस मोड में है। तो जब इसका कंप्रेशन फोर्स से मतलब कम फोर्स इधर एयर अप्लाई करेगा, यानी कि एयर इधर कम हो जाएगा, तो इसका जो फोर्स है धीरे धीरे कम होगा, तो जैसे ही इसका जो प्रेशर है वो कम होगा तो ये जो स्प्रिंग है एक्सपैंड हो जाएगा, और फिर से जाके ये जो पाथ है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यानी कि हमारा एयर का जब प्रेशर ज़्यादा था, हमने प्रेस किया, ये वाल्व ओपन हो गया, एयर हमारा इधर निकलने लगा, और उसके बाद हमारा जो पिस्टन है थोड़ा सा 5 से 10 mm इधर मूव किया, और एयर यहाँ से निकल के ब्लास्ट होने लगा। जैसे ही सिलेंडर के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा तो ये जो स्प्रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगा और इस पैसेज को बंद कर देगा, यानी डिस्चार्ज पाइप का जो वे है उसको बंद कर देगा, तो एयर अब इधर जाना बंद हो गया। अब फिर से क्या होगा, एयर यहाँ पर आएगा और इसके अंदर फील होना स्टार्ट होगा, सिलेंडर आम के अंदर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इधर भी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और अगर इसका टाइमिंग आएगा तो फिर से ये वही प्रोसेस करेगा कि टाइमिंग में अपना जो बटन है वो प्रेस होगा या ऑपरेट होगा, तो ये हमारा फिर से एयर जो है इधर निकलने लगेगा, और इधर हमारा जो प्रेशर है वो इसको अप्लाइड करेगा, और इधर से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा।
तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा इसका ऑपरेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एयर ब्लास्टर या एयर कैनन या इसको कोई कोई शॉक ब्लास्टर भी बोलता है, ये कैसे वर्क करता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।